और आज बारी है जी विदाई की, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। खोजेगा रितू को लेकिन पूरा ही। बाय करो दादी को। तो अभी हम लोग रेडी हैं, इधर पति देव लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं किट्टो मित के यहाँ। नमस्ते भैया। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी, पिछला आपने दो ब्लॉग देखा होगा जिसमें देखा होगा कि हम अपने भाई के घर आए हुए हैं और आज बारी है जी विदाई की, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और एक दिन बाद जो है हम लोग का ट्रेन भी है, तो यहाँ से चलेंगे हम लोग नैन्सी दीदी के यहाँ। और नैन्सी दीदी के यहाँ जाने से पहले किसी एक जगह का काम है, तो वह काम अपना पहले निपटा लेंगे और उसके बाद जाएंगे नैन्सी दीदी के यहाँ। और अमित भाई का भी घर नैन्सी दीदी के बगल में है, तो उन्होंने भी कहा था कि जाने से पहले एक बार मिलते हुए जाना, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। और भी बाकी कई सारे क्रिएटर हैं जो दिल्ली के आसपास है, तो उनसे भी मन था मुलाकात करने का, लेकिन मेरी तबीयत हो गई खराब, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिएटर के साथ जो वहाँ मिलना जो है संभव नहीं हो पाया। तो अब ऐसा करते हैं जी, सब कुछ तो हम लोगों का पैक हो ही चुका है और अब यहाँ से चल रहे हैं सीधा मेहरौली टर्मिनल के पास, और वहाँ से जो है देखेंगे बस लेना है या कैब करना है, जो भी होगा चलते हैं। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं जी, अपना सैंडल ले लीजिए। खोजेगा रितू को लेकिन पूरा ही। कोई क्रियांश। बाय करो दादी को। तो देख सकते हैं जी एक कितना बड़ा बैग है, आए थे सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन सामान कितना अच्छा खासा था, आप देख सकते हैं। One hour later. तो फाइनली जी नैन्सी दीदी के घर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर जब आए तो पता चला कि कुछ खास बन रहा है यहाँ पर, तो अभी आपको दिखाते हैं क्या बन रहा है। तो पहले आप लोग गेस करिए कि आखिर बन क्या रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, सामान दिखा देते हैं। यहाँ है आलू, और यहाँ है पनीर, और उसके बाद है यहाँ है बूंदी और दही, और उसके बाद जो है ये जो है इसका मसाला तैयार हो रहा है। इसका मसाला तैयार हो रहा है। आप लोग अक्सर देखते होंगे सोनू रेस्टोरेंट में क्या ज्यादातर ऑर्डर करता है, तो बस वैसा ही कुछ बन तो आप लोग जब तक आप लोग अंदाजा लगाते हैं कमेंट करके बताइए, तब तक आपको घर का बाकी हाल दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रियांश जो है इसको मिल गया है अपना वॉकर, इधर उधर अपना टहल रहा है। अच्छा, अगतिक भी वहाँ से कुछ बोलना चाह रहा है। आ जा। इसको दूध पीना है, दूध पीने की जगह मंजन कर रहा है उसे। हाँ, मंजन कर रहा है उसे। ओए 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 ओए, आजा सीधे लगा, आजा। बता था मामा का, आजा मामा, बस हो गया। रबर काटना है। ये बस। आप किसको बुला रहे बाबू? बैठना है उसको, रस्सी खाना है। लाइक रस्सी खोल रहे हैं। तुम लोग जो पूरा प्रयास टेडी मिलता है तो तुम लोग उसको फेंक के कहा जाते, इसको इसके साथ खेलो। तो यहाँ पर क्रियांश की मालिश हो गई है, दादी ने मालिश करके इसका कपड़ा भी बदल लिया है, अच्छा का भी रहा है। हाँ, तो अब इसको खेलने दो और चलते हैं अब बाहर। और किचन से जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है कि कुछ जल्द ही बनने वाला है। बस हो गया। अच्छा हो गया, ये देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा ये कोई अंडा है, अंडा फ्राई है, लेकिन ये अंडा फ्राई नहीं है, यह है जी कोफ्ता। हाँ जी, ये रहा मलाई। तो मलाई और कोफ्ता को मिला दीजिए, वही बन रहा है मलाई कोफ्ता। और यहाँ लड्डू अपना ये पटाखा बना रहा है कागज का। फुसकी बम निकला तुम्हारा ये। दो बार में फुस हो गया, तीसरा से अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो जी इंतजार कर रहे हैं जल्दी से खाना बन जाए, और उसके बाद जो है फिर भोजन ग्रहण करें, और जैसे ही भोजन ग्रहण करेंगे सीधा जाएंगे बेड पर, और क्रियांश जो है अपना शोर मचाएगा, तो अपनी बुआ है, इसकी मम्मी है, दादी है, सब संभालेंगे, हम तो दादी सो नहीं गई। सो ही नहीं है मोनू के यहाँ, सोता नहीं था, और यहाँ जो है सोने का क्या आदत पकड़ लिया, पापा गोद में आकर सोएगा, वही दिक्कत हो गया एकदम, सोने के लिए तरस गए हैं पिछले दो दिन से हम। सोते भी बहुत। अब वही सोना हराम करके रखा है ये। हाँ ठीक है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। वाह 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 वाह, दिवाली पटाखा नहीं लेगा, यही लेगा। और यहाँ ओरी को देख सकते हैं, यह भी अपना मस्त है,
ओए गोड़ी, क्या हाल समाचार? ये डांसर है। तो हमारे यहाँ खाना लग चुका है जी, देख सकते हैं। दो दो बच्चे भी खा रहे हैं। और इसके लेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम तुरंत जाना चाहिए। आप लोग को फिर देखने को मिल रहा है कि हमारा दोनों जोड़वा एक जगह हो चुका है। अच्छा नहीं लगा क्या रोटी? देखिए इसको लगता है रोटी अच्छा नहीं लगा। दोनों को देखेंगे ना जब बड़ा होता जाएगा, आप लोग ऐसे ही देखते जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो लड्डू मजा आ रहा है खाने में? अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 12:30, 12:30 बजने में कह सकते हैं, 5 मिनट थोड़ा पहले है। और यहाँ क्रियांश जो है लगभग 2.5 घंटे पहले सो के उठा है, अच्छे से एकदम खेला कूदा, थोड़ा तबाही मचाया, फिर उसके बाद जो है भोजन पानी किया। अभी से इसका आदत खराब, रात में लेट से सोएगा, सुबह लेट से उठेगा। अच्छा, हमारा काम जो है नाती को सुबह से रखे हुए हैं, उसको सुला दिए, अभी आ गया। बस हमारा काम सुबह से यही हो, ड्यूटी पे लगा रखा है नाती पोता सा। नाती पोता। तो देख सकते हैं यहाँ पर गतिक जो है इस झूले पर सोया है, और क्रियांश का झूला उधर है, वो उसी पर सोता है, वो तो दोनों का अलग अलग झूला हो गया। तो अभी हम लोग रेडी हैं, इधर पतिदेव लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किट्टो मित के यहाँ, बहुत दिनों से बुला रही थी लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बगल में ही है ना। बिल्कुल जी, और हम लोग का वैसे तो प्लान था कि आज शाम में हम लोग निकल जाएंगे कटिहार की तरफ, लेकिन हमने टिकट को कैंसिल करवा दिया क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, और क्रियांश का भी कुछ ज्यादा ट्रेवल हो गया था, तो सोचे थोड़ा रेस्ट करके यहाँ पे फिर निकलेंगे। हाँ हाँ, रेस्ट करेंगे। और हम लोग पहले सोच करके आए थे कि मथुरा वृंदावन भी हम लोग घूम लेंगे, क्योंकि क्रियांश का हमने मन्नत मांगा था क्रियांश होने से पहले, तो फिर अब तक मन्नत पूरा नहीं हुआ। कहते हैं कि मन्नत जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना अच्छा होता है, तो फिर हम लोग वहाँ भी होके आएंगे एक बार, है ना, क्रियांश का भी दर्शन करवा देंगे। हम लोगों ने सोचा था क्रियांश जब होगा तो क्रियांश को ले करके आएंगे दर्शन के लिए, उस टाइम क्रियांश आया भी नहीं था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेट कर रहे हैं लिफ्ट का, ये आ गया आज के लिफ्ट में। पर अच्छा है कि क्रियांश अभी सोया हुआ है, और सोते सोते ही पहुंच जाएगा अमित भाई और किट्टू, वहाँ फिर सुला देंगे। तो इधर हो रहा है भंडारा, भंडारा नहीं है ना, हल्दी है। सॉरी सॉरी, हाँ तब हल्दी है, पंजाबियों की शादी है। अच्छा, हमको लगा भंडारा है जाके एक बार थोड़ा सा एक दो पूरी मार लेते हैं। कंगन नहीं गिराते हैं वही वाला कंगन पहनने। अच्छा ऐसी बात है, और मौसम जी बाहर थोड़ा सा है ठंडा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप तो है ही, लेकिन धूप का उतना कोई खास असर हो नहीं रहा। अच्छी बात है कि क्रियांश अच्छे से सोया हुआ है, एंड उसको अच्छे से कवर कर दिए हैं, ठंडी हवा चल रही है। तो हम लोग बैठ गए हैं टोटो में, और ये टोटो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, देखिए इधर से कवर है, नीचे देखिए कितना अच्छा सब कुछ उन्होंने बिछा के रखा है, और यहाँ पर हवा भी नहीं लग रही है। इधर इनको हवा नहीं लग रही, इस वजह से हमने इनको इधर बैठा दिया, और क्रियांश भी है तो क्रियांश भी बच करेगा हवा से, इधर थोड़ी हवा लग रही है, और बाहर धूप है लेकिन हवा इतनी चल रही है ना, इसलिए ठंड लग रही है। हमने तो पूरा स्वेटर वेटर पहन के आए भाई, ठंडा लग जाए तो फिर दिक्कत है, कहीं घूम भी नहीं पाएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी आ रहे लिफ्ट में, लिफ्ट से जाना है ऊपर। हाँ जी, तो चल रहे हैं। और हमारे क्रियांश भी जग चुका है ना, वही क्रियांश जो उम्मीद नहीं थी कि क्रियांश उठेगा, फिर भी उठ गया। बिल्कुल गलत बात, कितना देर सोएगा ये, गलत बात क्यों सोया था आपने, क्या देख रहा है ला क्रियांश। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। हम लोग जी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, और क्रियांश बस अपने काम पर लगा हुआ है, उसको एक चम्मच मिल गया है, अब यह चम्मच लेकर के खेलेगा, और किट्टू जी पर बड़ा प्यार आ रहा है इसे, इनको लग रहा है मेरा छोटा मतलब बाप को जो भी आएगा, जो आएगा कोई तो पार्टनर है, लड़की जो भी आएगा, भाई बहन ना, अभी से ही प्यार जता रहे हैं। बिल्कुल, और मेन बात है कि आप खाना खा रहे थे ना उस समय, आपके खाने पर नजर था, अब ग्लास वो देख रहे गोता मार के पहुँचा हुआ कर दिया है पॉटी। अच्छा कर दिया है, चश्मा ला रहा है क्या? चल गया पक्का, देख लो माँ है ना, एहसास हो जाता है। अच्छा नहीं यहाँ तक नहीं आया अभी तक, कर दिया कर दिया, चलो चेंज कर लेते हैं।
प्रियांश अपने पापा की गोदी में खेल रहा है। कोशिश कर रहे हैं सुलाने की लेकिन बेचारा सो नहीं रहा है। इसको यहाँ आके अच्छा लग रहा है, उधम मचा रहा है अभी। होता है हम लोग के साल भर के अंदर, साल भर के अंदर जन्म का बाल। हाँ तो गतिक लोगों का भी वही होता है ना, 11 महीने में हो जाएगा हम लोग। हाँ, हम लोग भी हो जाता है, हम लोग में 3 साल बाद होता है। अच्छा, ये भी आपने अमेज़न से मेरे को बड़ी टेंशन थी कि कैसे इंस्टॉल करूँ, लेकिन इसके अंदर एक नंबर होता तो भैया को कॉल किया, भैया वीडियो कॉल पे लेकर के मुझे चेयर को कैसे इंस्टॉल करना है बता रहे हैं, तो मैं प्रॉपर इनकी हेल्प लेके कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, ये देखिए ये बन गया। उसके बाद भैया इसको इसके अंदर डाल दूं? डाल दिया। बैक ये रहा, पूरी बहुत हैवी चेयर है भाई, ये रहा, ये हाँ है। इस वाले होल को देख लो, सास भाई आपकी काम आएगा आगे, जब भी मांगेगा बैठ जाइए, बैठूं आराम से, हेड डाउन अप एंड डाउन। टेढ़ा हो गया तो वो काम नहीं कर रहा। ओके ओके हाँ ओके ओके भैया, ये थोड़ा सा उठ के होगा, उठ के थोड़ा सा उठना पड़ेगा, सही है। ओके भैया थैंक यू, बना दिया भैया आपका वीडियो। जिस चीज से सासुर भाई गुजर चुके हैं उस चीज से मैं अब गुजर रहा हूँ। आप गुजर रहे हैं, आप इन्होंने बहुत किया हुआ है तो अब मैं कर रहा हूँ। लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा एक एडवांटेज क्या था कि हम चले गए थे अपने घर। अच्छा, तो वहाँ मम्मी पापा भी थे, बाकी सब भी थे। अब यहाँ पे तो क्या, हमने घर यही बना लिया, यही करेंगे जो करना है। तो अमित भाई देख सकते हैं जी, नया नया वॉशिंग मशीन लिए हुए हैं और अभी सिस्टम समझने में जो है थोड़ा सा समय लग रहा है, समय लग रहा है, लेकिन ठीक है समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंतजार करें, मेरे घर का जो सेमी ऑटोमेटिक है कब वो थोड़ा सा खराब हो जाए तो नया ले जाए। सही बात, खराब नहीं तो आदमी लेता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, इसमें सिंपल सा ऑन और स्टार्ट है बस। अच्छा ऐसा है, बस सिंपल सा ऑन एंड स्टार्ट है। अरे हमारे में क्या सीन हो गया है, मतलब हमें लगता है कि लगभग 8 साल से वो वॉशिंग मशीन टिका हुआ है भाई। ऐसे हमारे वहाँ पुराने वाले घर का है, वो भी ऐसे ही चलता रहता है। और इसको तो सुलाने का प्रयास है अभी जारी है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। तो फिलहाल इसको बालकोनी में लेकर के आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसको नजारा दिखा देते हैं। इसको क्या हो रहा है, जो टाइल्स काटने का मशीन होता है वह मशीन चल रहा है बाहर में, तो उसी की आवाज़ आ रही है इसको, शायद आपको भी आ रही होगी। तो यह उसी साइड देख रहा है, यह क्या लेना है, वो मशीन लेना है वो। और यहाँ ये दोनों महिलाओं में गुप्त गुह हो रही है, क्रियांश का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अच्छा, क्रियांश का एक्सपीरियंस कैसे इतना बड़ा कर लियो। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो और बड़ा कर, अभी तो और बड़ा कर। वैसे गिटो जी बता रही थी कि इनको पहले से एक्सपीरियंस है। हाँ, घर में बहुत सारे बच्चे सबको देखने का, तो किसी को नहीं देखे, हमारे घर में कोई बच्चे ही नहीं थे। हाँ हाँ, मेरे घर में बहुत सारे बच्चे थे। अभी उस दिन कोमल भाभी आई थी, उनकी बेटी खूब रो रही थी, खूब रो रही थी। मैं बोली जब बच्चा ज्यादा रोए ना तो पेट टच किया करो, कान टच किया करो। अच्छा, दर्द तो नहीं रहा, जब उसको हम हींग दिए, उसको गैस बन गया। कपड़ा देखो, कपड़ा सूख गया। हाँ वही है, मतलब बस खाली हवा लगना है थोड़ा सा इसमें। ना दूध दी तब उसको पिलाई, तब जाके वो शांत हुई। वाह, पता है ना कि जब बच्चा जब ज्यादा रोए ना तो ये सब ध्यान देना चाहिए, गैस नहीं बनता है, पेट दर्द होता है, पेट दर्द होता है। और जैसे इसको गैस निकाल देते हैं ऐसे पूरा पैर दाब दाब के। नहीं नहीं, ये चीज तो हींग ना पिलाया करो। अच्छा, क्योंकि बच्चे को जैसे तुम जो खाती हो, तुम तो अपना मतलब फिट कराती नहीं हो ना ज्यादा।